यमुनानगर में बुधवार को हिंदू संगठन जगाधरी नाज मंडी में एकत्रित हुए। इस दौरान संत समाज भी प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचा। प्रदर्शनकारी अनाज मंडी में पैदल मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय की तरफ बढ़े तो वहीं जिला सचिवालय के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने पुलिस से मौके पर जिला उपायुक्त को बुलाकर ज्ञापन देने का आग्रह किया, लेकिन डीसी की जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने पहुंचे तो हिंदू संगठनों ने कहा कि वह डीसी महोदय को ही अपने ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद करीब 20 मिनट के बाद जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ज्ञापन लेने पहुंचे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें जानबूझकर झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन सही होता तो नू में ये प्रकरण ही नहीं होता। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि नू में जो भी हुआ उसकी वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हिंदू सभी गलतियों को माफ करते आए हैं और शांत रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ चलने वालों का वध भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब, डीसी साहब का संदेश था हमारे पास, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे पास अब तक लोग नहीं आए, परंतु आपके पुलिस प्रशासन ने हमें रोक के रखा। अरे झूठ बोलते हैं ये साहब, और खाने वाले को रो रहा है और बैठे के देखते हैं। मैं गलत कह रहा हूं, मैं खुद में देखेगा कितने रो रहे हैं। आपने कहा जी बुलाइए, मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया, आपने कहा मैसेज कीजिए, क्या मैंने इसमें कभी फोन डीसी साहब अंदर सही कार्यशैली के कारण 10 कदम की दूरी पर डीसी साहब ऐसे ही कार्यशैली के कारण हरियाणा में हिंदुओं का बुरा हाल होता है। मजा साहब थोड़ा सा घूम जाओ, डीसी साहब गलती है, इसको मानिए। एक बार बात कर लूँ, मैं ड्यूटी में बात नहीं करता, और ये कहा गया मेरे सामने, कोई नहीं 10 मिनट बैठने दो। आपने बोला ये बात, आपने कही ये बात, हमारे हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान। हमने डीसी साहब को बहुत पहले अवगत करा दिया जा था, और डीसी साहब ने हमको टाइम भी दिया था। जब हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ कुछ पुलिस वालों ने हम लोगों को रोक लिया, झूठ बोल दिया कि डीसी साहब है ही नहीं, और डीसी साहब थे अपने दफ्तर में ही। हम लोगों को ज्ञापन ये देना था कि जो आज नूह में अत्याचार कुकृत्य हुआ है, हर समय हम हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश थी। एक तत्काल नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। हम हिंदुओं को, हम हिंदुओं के भावनाओं के साथ, हमारे मंदिरों में हमारे बेटी बहुओं के साथ ऐसा यह मुस्लिम वर्ग जो है यह टारगेट कर रहा है। अब हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग अब क्षमा नहीं करेंगे, अब हम लोग जाग चुके हैं। अब हम लोग भी वध का जरूरत पड़ा तो वध भी करेंगे। यह ज्ञापन देने हम लोग डीसी साहब के पास आए थे।
लेकिन आपको मजबूरन यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, इसलिए कि जो है डीसी साहब लेट कर दिए, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों से झूठ बोला कि जो है डीसी साहब हैं नहीं, कहीं गए हैं, अभी 15-20 मिनट में आ रहे हैं। तो ये इतना निकम्मा पुलिस प्रशासन हो गया है, झूठ बोल रहा है, जिस वजह से हम लोग बैठ कर अपने प्रभु का नाम लेने लगे, सबको प्रभु का नाम दिलवाने लगे। आज पुलिस प्रशासन सही होता तो आज नूह में यह कांड नहीं होता, आज यह कांड नहीं होता, हमारे दो जवान शहीद नहीं होते। यहाँ पर चोट लगा है, हमारे यहाँ पर चोट लगा है, हमारे शहीद जो हुए हैं वो हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारे भ्राता थे।